안녕하세요. 전 그리스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 네, 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 네, 업데이트를 할게요. 오늘은 어린이날이었어요. 그래서 학교는 갔는데 학교에서 공부 안 하고 놀았어요. 데이트가 엄청 느리게 되네요. 그쵸? 아, 너무 안 돼요. 이제 거의 다 됐다. परमेश्वर एक मार्ग बनाता है। इसराइल 사람들을 데리고 가. 제목을 뭐라고 해야 되죠? 이집트에서 나와서 다른 곳으로 가다라는 이야기예요. 하하하. 10वीं विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इसराइलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया।모세와 사람들은 어디로 가야 되는지 몰랐어요. 하나님이 갈 곳을 알려주었어요. 그래서 모세가 하느님의 명령대로 따라가기만 했어요. 하고 바로 왕의 생각이 바뀌었어요. जब इसराइलियों ने फिरौन के रथों को देखा, वो बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। 강물 앞에서 딱 멈췄어요. 강물을 지나갈 수도 없고 뒤로 다시 갈 수도 없고 그래가지고 어떤 사람들은 왜 여기까지 와서 우리 죽게 하냐고 막 뭐라고 했어요.
하고 모세는 그래서 함께 기도를 했어요. 그랬더니 하나님이 지팡이를 들라고 하셨어요. 그래서 모세는 지팡이를 들었어요. 그랬더니 갑자기 홍수가 갈라졌어요. 다이아몬드가 안 보였다가 나왔네요. 네, 다이아몬드를 받았어요. 꽃 깨네요. 불가사리도 있다. 조개도 불쌍하다. एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। कैसा? 하나님은 모세에게 아니 그래서 이스라엘 사람들과 모세는 무사히 걸어갔어요. 무서웠겠죠? 갑자기 막 될 수 있으니까. 네, 다이아몬드를 받았어요. 두 개다. फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इसराइली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया। फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। इसराइल सामंदरी 다 지나자 모세는 다시 지팡이를 들었어. 그랬더니 홍해가 다시 잠 갈라졌던 게 다시 모아졌어요. फिरौन और उसकी सेना ने इजरायलियों का पीछा किया और उन्हें पुनः लाल समंदर में पकड़ लिया। सही या गलत? परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। कैसा? 사람들은 거기다가 텐트를 치고 잘 살았어요. 그때 하느님이 모세에게 보자고 하셨어요. 제목은 하나님이 주신 십계명이에요. 갑자기 생각이 났어요. 아그 और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। 백성들은 놔두고 모세는 하나님께 올라갔어요. 거기는 아주
막 뜨겁고 덥고 하고 험한 곳이었어요. 이거 웃기다요? 땡땡. 바비가 움직였어요. 초록색이지. 당연히 초록색으로 놔줄게요. 무사고 परमेश्वर ने उससे कहाँ मिलने के लिए कहा? 1번인 것 같아요. परमेश्वर ने मूसा को दो पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना।갑자기 하늘에서 하나님이 갑자기 돌에 글을 쓰셨어요. 뭐 거짓말하지 말라, 다른 우상을 섬기지 말라, 계속 잘못 말하네요. 거짓말하지 말아라. 또뭐 있었더라? 하고 남의 것을 탐내지 말라. 하여튼 이런 걸 10개를 적어주셨어요. 그게 10개라는 의미예요. 이 글씨가 뭘까요? 근데 글씨가 다 똑같아 보이지 않나요? माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है।그래서 백성들 앞에서 이렇게 뒤로 갔어요. अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। 그래서 그 사람들 앞에서 그 십계명을 읽어주었어요. 거짓말하지라. 죄송해요. 또 잘못 말했네요. 잠시만요. 도둑질하지 말라. 성경 하나님만 믿어라. 하나님 이름을 함부로 말하지 말라. 하고 하나님을 부끄러워하지 말라. 다른 우상을 섬기지 말라. 거짓말을 하지 말라. 도둑질을 하라. 죄송합니다. 도둑질을 하지 말라. 이런 게 많이 써 있었어요. क्या 10 आज्ञाओं ने इसराइलियों को बताया कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? हाँ या नहीं? 어떻게 할까요? SO. S 해볼게요. 에이. 오늘 둘다 문제를 틀렸네요.
네, 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 그럼 안녕.